हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ विद पैशन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं इस अपने चैनल पर होम डेकोर एंड डीआईवाई वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर इस तरह की वीडियोस देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट आइडिया में मैंने लिया है ये पाउडर के, जो ये प्लास्टिक डब्बे होते हैं, ये अक्सर हम इन्हें यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो अगर इनको ना फेंकें, हम इनको यूज़ करके हम अपने घर को सजा सकते हैं। मैंने इन पे कोई कलर नहीं किया है, ये वाइट है और वाइट बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर मैंने ये स्टोन्स लिए हैं और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैंने ये स्टोन इस पर फ्लावर की शेप में स्टिक कर दिए हैं। तो ये तीनों पे कर दिए हैं मैंने। और ये गोल्डन कलर की लेस मैंने ली है इस पर, इसको मैंने ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड इसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही स्टिक कर दिया है। तो तीनों पे ये प्रोसेस मैंने सेम किया है। और इसके बाद मैंने ऊन ली है, किसी भी कलर की आपको ऊन मिल जाए जो आपको अच्छा लगे या जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आपको इसमें ऊपर का जो पोर्शन है उस पर कवर कर दिया। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कवर करना चाहते हो या नहीं। तो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था, मैंने ऐसा किया है। बाकी आप इस पर लेस भी लगा सकते हैं अलग कलर की। तो मैंने तीनों के माउथ पे अलग अलग कलर की उनको कवर कर दिया है। और ये मैंने लिए हैं कुछ फ्लावर्स, स्टेशनरी शॉप पर आपको इजीली ये मिल जाएंगे। आई थिंक 10 रुपीज़ का ये पैकेट था, तो इसमें ये इतने सारे मिले हैं। और ये भी मैंने इसमें स्टिक कर दिया है। तो ये तीनों बॉक्स पे मैंने स्टिक कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ और भी स्टिक कर सकते हो। यहाँ पे स्टोन्स जो मैंने लगाए हैं वही स्टिक कर सकते हो, कुछ फ्लावर्स बना सकते हो, पम पम लगा सकते हो। और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें कितना दिखा सकते हैं। तो मैंने तो ये स्टिक कर दिया है और ये हो गया है आपका कंप्लीट फर्स्ट DIY। और ये 3 का सेट मेरे को बन गया है और ये फेंकने ही वाले थे, बट इनसे देखिए कितना अच्छा ये खूबसूरत से बस छोटे छोटे तैयार हो गए हैं। और इनमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा सकते हो और अपने ओरिजिनल प्लांट को भी प्रोपोगेट कर सकते हो इसमें। और ये कुछ बीट्स आते हैं, ये इसके माउथ पर मैंने लगा दिए हैं। आप चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज रहने दीजिए। ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसको लगाने के बाद ये टोटली कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें मनी प्लांट को प्रोपोगेट किया है। आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी डेकोरेट कर सकते हो और अपने रियल प्लांट्स को भी प्रोपोगेट कर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर ये लग रहे हैं तीनों एक साथ। कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो गया है। तो चलते हैं सेकेंड आइडिया की तरफ। इसमें मैंने एक पॉट लिया है, ये मिट्टी का पॉट है। इसमें मैं कुछ प्लांट लाई थी और उसको मैंने दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैंने सोचा इसको क्यों फेंका जाए, इसको भी यूज़ किया जाए। तो इसमें मैंने पहले 2 कोट जैसो के किए हैं। और आप इस पर बाल पुट्टी का पेस्ट भी ले सकते हो, होममेड जैसो एंड या फिर बाल पेंट भी ले सकते हो। और 2 कोट करने के बाद मैंने इसमें टेराकोटा कलर बनाने के लिए थोड़ा सा ब्राउन कलर और उसमें थोड़ा सा रेड कलर मिक्स किया है। तो मुझे इस तरह का कलर मिल गया है कुछ टेराकोटा कलर का, और इस पर मैंने ये कर दिया। और ये प्रोसेस ड्राई होने के बाद ही करना है। जब ये भी ड्राई हो गया उसके बाद मैंने पेंसिल से इस पर मोंसेरा लीव ड्रॉ करी। और उसके बाद मैंने परमानेंट मार्कर लेकर इस पर वो जो भी ड्रॉ किया था उसको मैंने परमानेंट मार्कर से ड्रॉ कर दिया है। तो
ये कुछ पैटर्न इसमें बना दिए मैंने, ब्लैक लेव्स और डॉट्स हो सर्कल्स बनाने के बाद मैंने इस पर ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ। जो लीव्स है उस पर मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया है। और ये कुछ लीव्स मैंने, दो या तीन लीव्स इस पर मैंने बनाई है। बहुत बड़ा भी नहीं है ये पॉट और बहुत छोटा भी नहीं है। तो ये अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर आपको एक वार्निश का कोट करना है, ताकि जो आपकी आर्ट है, कलर है, वो सिक्योर हो जाए। और बर्गर का, वुड पिकर का मैंने इसमें वार्निश यूज़ किया है। वार्निश ड्राई होने के बाद आप इसमें अपने प्लांट को लगा सकते हो। हो गया आपका एक पॉट तैयार। कमेंट करके बताइएगा आपको ये पॉट कैसा लगा। और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया में मैंने एक प्लास्टिक बॉटल ली है, इसका ऊपर का माउथ मैंने कट कर दिया है, और ज्यूट्रोप, फेविकोल एंड एक ये किसी, शायद मैंने किसी बॉक्स से ये कुछ फ्लावर्स कट किए हैं। तो ये फेविकोल की हेल्प से मैंने इसमें ज्यूट्रोप को कवर किया है। और ये मैंने सिर्फ फेविकोल ऊपर स्टार्टिंग में एंड लास्ट में ही फेविकोल यूज़ किया है। आप बीच में फेविकोल नहीं भी यूज़ करते हैं तो ये सिक्योर हो जाती है। उसके बाद मैंने ये जो फ्लावर्स कट किए थे इसको मैंने फेविबॉन्ड की हेल्प से या फेविकोल की हेल्प से आप इस पे स्टिक कर दिया है इसको। और उसके बाद मैंने ली है कुछ सीढ़ीज़, और सीढ़ी को कट करने का तरीका ये है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली सीढ़ी को कट करते हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो आप इसको 5-10 मिनट के लिए हॉट वाटर में इसको डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको कट कीजिए तो ये इजीली कट हो जाएगा। तो उतनी ही सीढ़ी आप बाहर निकालिए जितनी सीढ़ी को आपको कट करना है, अदरवाइज़ वो ठंडी होने के बाद कट नहीं हो पाती है। तो ये देखिए कितने इजीली ये कट हो जा रही है। तो ये मैंने कुछ कट कर लिए हैं कुछ पार्ट, और जो स्क्वायर पार्ट है वो मैंने ऊपर स्टिक कर दिए हैं फेविबॉन्ड की हेल्प से, और कुछ मैंने नीचे। तो ये एक लाइन मैंने इसमें बना दी है ऊपर और नीचे, दोनों साइड इसको स्टिक कर देना है अच्छे से। तो ये एक मिरर इफ़ेक्ट देता है, तो आप सीढ़ी को भी एक मिरर की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कहीं मिरर वर्क करना है और मिरर नहीं है तो आप सीढ़ी को कट करके अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हो। तो कुछ ये मैंने पीछे की साइड भी इस पर स्टिक कर दिए हैं, और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो ये दोनों साइड से अच्छा लग रहा है। बाकी तो आप बताएंगे आपको ये कैसा लगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को थम्सअप दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।